हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डूइंग द एक्सरसाइज 2.2 बट एक नई मेथड्स के साथ। आई होप यू विल लाइक दिस मेथड। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। आपको प्रोडक्ट पता करनी है, ठीक है। प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है? मल्टीप्लाई। क्या होता है? मल्टीप्लाई। लेकिन जो प्रोडक्ट है उसमें आपका एक नंबर फ्रैक्शन में है और दूसरा नंबर किस में है? होल नंबर है। समझते हो ना? फ्रैक्शन, फ्रैक्शन वो जो पी अपन क्यू की फॉर्म में हो और होल नंबर वो जो पी अपन क्यू की फॉर्म में ना हो, ठीक है। तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, इसका प्रोडक्ट निकालना है। तो हम कैसे करते हैं इसका प्रोडक्ट? कि इस फ्रैक्शन वाली टर्म के न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर कौन सा है इसका? 5 है। कौन सा है? 5 न्यूमिनेटर है, ठीक है। इसको हम जो भी आपका होल नंबर दे रखा है, ठीक है, ये आपका होल नंबर है, तो इसके साथ हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 5 7 जा 35, तो आपका 35 आ जाएगा न्यूमिरेटर और नीचे डिवाइड में क्या आ जाएगा? 8। ओके, यस स्टूडेंट, सी हियर 5/8 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। मैंने बताया ना कि फ्रैक्शन वाले का हम क्या लेंगे? न्यूमिरेटर लेंगे और आपका होल नंबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 7 जा 35 और डिवाइड में क्या रह जाएगा आपका? 8। ओके स्टूडेंट्स, बेटा अब आप सेकंड सम की तरफ देखो, इसी का सेकंड पार्ट है इस, ठीक है। एक टर्म आपको फ्रैक्शन में दी हुई है और दूसरी टर्म किस में दी हुई है? होल नंबर में, ठीक है। अब हमारा क्या मेथड है कि जो फ्रैक्शन में टर्म दी हुई है इसका न्यूमिरेटर, ठीक है, और ये होल नंबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। 1/5 मल्टीप्लाई 13, ठीक है। तो 1 को 13 से मल्टीप्लाई किया, कितना आंसर आ गया आपका? 13, ठीक है। और नीचे 5 का 5 रह गया। अंडरस्टैंड? ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब आपको ये क्वेश्चन करना ही आगे हो गया, तो बताइए मुझे किसको पहले मल्टीप्लाई करना है? 4 को 16 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 4 16 जा 64 और नीचे 9 डिवाइड में। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया है ना, कितनी इजी सम। ओके स्टूडेंट्स, सी द नेक्स्ट सम, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज टर्म्स। अब आप देख रहे हैं ये टर्म्स, ठीक है, आपकी ये टर्म्स किस में हैं? दोनों मिक्स्ड में हैं पहले तो, ठीक है। मिक्स से आप किस में बनाओगे? इम्प्रॉपर में बनाओगे। इम्प्रॉपर का मेथड क्या होता है कि पहले 7 को 3 से मल्टीप्लाई करो और फिर 6 ऐड कर दो, ठीक है। तो आपका बन जाएगा ये 27/7, ठीक है। मल्टीप्लाई इसको भी सॉल्व कर लो, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8, 8 बाई 3। ओके, अब बेटा आपको यहाँ पर प्रोडक्ट करनी है इन दोनों की, लेकिन आपके दोनों टर्म्स किस में? अब फ्रैक्शंस में है। पहले हमने किया था उसमें एक टर्म फ्रैक्शन में थी और एक नंबर आपका होल था, लेकिन यहाँ पर दोनों टर्म्स क्या हैं? फ्रैक्शन में हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि न्यूमिनेटर की मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से करते हैं, ठीक है। तो 27 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 216। ओके, और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आएगा 21। ओके,